नमस्कार दोस्तों, आज इस पजल को हल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पंक्ति में तीनों जूतों का टोटल जो कि 30 है, अतः तीनों जोड़ियों का अंक है वो 10-10 होगा। तीनों का 10-10 टोटल मिला के 30 हो जाता है। फिर दूसरी पंक्ति में एक जूते की जोड़ी है जिसका अंक पहले से निर्धारित 10 है और दो बालक के फोटोज हैं। ध्यान से देखिए, ये फोटो दो है इसलिए इसको 20 में से 10 माइनस करेंगे तो इसका दोनों का अंक 10 आ जाएगा, अतः इन दोनों को 5-5 अंक प्रदान होंगे, टोटल 20 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरी लाइन में अपन देखते हैं कि एक मनुष्य जो बालक उसका फोटो है जिसका अंक पहले से 5 हो गया, 5 से 20 में 13 से निकालेंगे तो पीछे बचेगा 8, तो इन दोनों विसलों को 8 में यानी कि 4-4 अंक मिल जाएगा, यानी कि विसल एक साथ में 2 है, अतः यदि एक विसल करेंगे इसका मूल्य है वो 2 आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे अपने को दिख रहा है 2, और मनुष्य का फोटो दिख रहा है, इसको अपने पहले से देख रहे हैं, इसका अंक 5 है। ध्यान देखने वाली बात यह है, पीछे के फोटो में अपन देख पा रहे हैं इनके यानी कि बालक के गले में एक विसल भी लटक रही है, तो विसल का अंक कितना है, एक विसल का अंक है 2, तो इसमें से 2 हटा देंगे तो अपने पीछे बचेंगे 3, यानी कि इसका अंक यदि जोड़ी का 10 है तो इसका केवल एक किले का 5 हो जाएगा, तो अपने पास प्राप्त हो गया 5 और बालक का अंक है वो हो गया 3, और विसल का यदि दोनों का साथ में 4 है तो एक का 2 हो गया, तो अपने पास प्राप्त हो जाता है 5+3×2, यानी कि 5+3×6 टोटल हो गया 11। धन्यवाद दोस्तों।